अयोध्या जनपद के इनायतगढ़ थाना क्षेत्र के हल्ले द्वारका ग्राम सभा के प्रधान देवशरण यादव की सोमवार देर रात हुई हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जब तक पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचती, घटना से क्षुब्ध सैकड़ों प्रधान समर्थक वारदात स्थल पर पहुंच गए और विपक्षी गणों के पूरे गांव में जमकर उत्पात मचाया और पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना के साथ साथ बीकापुर कुमारगंज की पुलिस बल पहुंचकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन मामला बढ़ता देख जनपद के अन्य थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा। इनायत नगर पुलिस प्रधान के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना में घायल अन्य दो लोगों को इलाज के लिए भेजा है, जिसमें एक की हालत नाजुक है जिसको लखनऊ रिफर किया गया। घटना जमीनी विवाद को लेकर बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान द्वारा सड़क पटवाई जा रही थी, जिस जमीन पर सड़क बन रही है उसे आरोपित गण पुश्तैनी कब्जा बता रहे हैं। विवाद को लेकर प्रधान द्वारा 23 मई को आरोपितों के विरुद्ध बारून चौकी में प्रार्थना पत्र भी दिया था। पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना के दिन प्रधान फैजाबाद किसी काम से गए थे, शाम को वापस आते समय रास्ते में आरोपित लोगों ने उन पर हमला कर दिया। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि वारदात के पहले दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट व गालियां हुई थी। वही सूत्रों के माने तो घटना में घायल दो लोगों प्रधान के पक्ष के थे, जो कि झगड़ा करने की नियत से प्रधान के साथ आए थे। लोगों ने बताया कि घायल में से एक आस्तिकन का निवासी है और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है। वारदात में आरोपित लोगों का करीब 6 घर का पुरवा है। गांव की स्थिति देखते ही बताया जा सकता है कि यहां पर उपद्रवियों द्वारा जमकर उत्पात मचाया गया है। पूरा गांव खाली है। करीब 7 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटर, 1 ट्रैक्टर, संपूर्ण गृहस्थी, जानवरों का चारा भूसा सब जलकर खाक हो गया। डर के मारे गांव के लोग घर बार छोड़कर भाग गए हैं। जानवरों को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है। बहरहाल थाना इनायतनगर पुलिस ने मृतक प्रधान के परिजन दीपक यादव पुत्र देवनाथ की तहरीर पर अपराध संख्या 326/2019, धारा 147, 148, 349, 323, 307, 302 व 34 IPC के तहत ग्राम सभा निवासी अमरदीप, रमेश, ईश्वरदत्त, महेश, रमाकांत, रवि व भगन समेत 7 लोगों के विरुद्ध मुकदमा कायम किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है और पूरे गांव छावनी में तब्दील हो चुकी है। इसी कड़ी में SSP आशीष तिवारी ने बारून चौकी इंचार्ज राम अवतार राम को सस्पेंड करते हुए चौकी में तैनात 2 सिपाहियों को भी लाइन हाजिर कर दिया है। सर, दिनांक 24 जून को ग्राम हल्ले द्वारिकापुर अंतर्गत थाना इनायत नगर में ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें ग्राम प्रधान के करीबी रिश्तेदार दीपक यादव की तहरीर पर 7 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 2 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी शीघ्र ही कर ली जाएगी। घटना का जो प्रथम दृष्टया कारण ज्ञात हुआ है, उसमें ग्राम प्रधान और अभियुक्तों के बीच ग्राम समाज की कुछ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस घटनाक्रम में प्रथम दृष्टया जो स्थानीय चौकी है, वहाँ के चौकी इंचार्ज की शिथिलता पाते हुए उनको निलंबित कर दिया गया है और चौकी के समस्त आरक्षियों को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है और इस घटना की जांच की जा रही है और बहुत गंभीरता से इसकी विवेचना की जा रही है और शीघ्र ही अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण विधि कार्रवाई सुनिश्चित कर ली जाएगी।